हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। साहिल पूछते हैं, क्या बुरा जानकर किराए का रूम किसी बद मजहब से लेना जायज है? बद मजहब जिसकी बद मजहबी हद कुफ्र तक पहुंची हुई हो, जैसे देवबंदी वगैरह, तो इनके बारे में अहादीसे तैयबा के अंदर मौजूद है कि इनसे किसी तरह का कोई ताल्लुक रखना जायज नहीं है। फरमाया गया कि न उनके साथ में बैठो, न उनके साथ में खाओ पियो, और हर तरह से उनसे दूर रहने का हुक्म दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उनके रूम को किराए पर लेंगे तो ये उनसे एक तरह का मामला करना है, और हदीस पाक में जब उनसे हर तरह से कते ताल्लुक का हुक्म है तो उनसे ये मामला करना भी जायज़ नहीं है, अगरचे आप दिल के अंदर बुरा समझ करके ही करें। जो चीज़ नाजायज़ है आप बुरा समझ के करेंगे तब भी वो नाजायज़ ही है, लिहाजा इससे परहेज़ किया जाए। वल्लाहु ताला आलम।